Myself Anup Singh, editing class 8 by a scholar educator competition school. My father name is Mr. Harmendra Singh. He is a storekeeper. My hobby is playing cricket. I want to be a cricketer. It's my introduction. Today I am आज हम पढ़ने वाले हैं द परफेक्ट लाइफ, संपन्न जीवन. इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बुल्क डॉट मैक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग एज एन ओक ट्री 300 ईयर टू फॉल ए लेट लास्ट ट्राई एंड बुल्क एंड शोर. मीन्स यह पेड़ की तरह नहीं होता है बल्कि बड़े हिस्सों में मनुष्य से बेहतर होता है. या 300 साल पुराने ओक के पेड़ की तरह खड़ा है. अतः एक लट्ठा सूखकर गंजा और सूखा गिरना. ए लिली ऑफ ए डे इन फेयरर फार इन मे. एक दिन की लिली मई में बहुत से अच्छे होते हैं. एल्थॉट इन फॉल एंड डाइड डैट नाइट. इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ओ लाइट इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी. एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी. यद्यपि वह उसी रात गिरकर मर गया. यह प्रकाश का पौधा और फूल था. छोटे अनुपात में हम सिर्फ सुंदरता देखते हैं और संक्षेप में कहें तो जीवन संपूर्ण हो सकता है. डेट्स ऑल. माई सेल्फ अनूप सिंह, एडिटिंग क्लास 8 बाई स्कॉलर एजुकेट कॉम्पिटिशन स्कूल. माई फादर नेम मिस्टर धर्मेंद्र सिंह. ही इज ए स्टोर कीपर. माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट. आई वॉन्ट टू बी ए क्रिकेटर. इट्स माई इंट्रोडक्शन. हमारा क्वेश्चन है द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो ऑफ 7:8:10:11. फाइंड देयर मेजर्स. तो इसमें हम लोग लिखेंगे लेट द एंगल्स be 7x, 8x, 10x और 11x. तो sum of all angles is equal to 360 degree. 7x plus 8x plus 10x plus 11x is equal to 360 degree. सम करेंगे तो हो जाएगा 36x इजकल टू 360 डिग्री. x इजकल टू 360 डिग्री बाय 36. सो x इजकल टू 10 डिग्री. सो एंगल्स इजकल टू 7x इजकल टू 7 मल्टीप्लाई 10 इजकल टू 17. 8x is equal to 8 into 10 degree is equal to 18 degree. 10x is equal to 10 multiplied 10 degree is equal to 100 degree. And last 11x is equal to 11 multiplied 10 degree is equal to 110 degree. हमारा अगला सब्जेक्ट है सोशल साइंस. इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे संसाधन. वह वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है. प्राकृतिक हमारे जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति करती है. भूमि, वन, मृदा, पानी और खनिज इत्यादि प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है. हवा की आवश्यकता सांस लेने, पानी की पीने के लिए और मृदा की फसलें उगाने के लिए होती है. यद्यपि प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी की सतह पर अत्यंत समय से लगभग है, परंतु उस समय मानव के पास उन्हें प्राप्त करने के ना तो औजार थे ना तकनीक. हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण. इसमें हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रित उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण. वनीकरणीय संसाधन. ये संसाधन उपयोग के उपरांत भी समाप्त नहीं होते. यह संसाधन भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रिया से पुनः प्रयोग किए जा सकते हैं. यह सूर्य, वायु, हवा और पानी की ऊर्जा, वन्य जीव, मानव जाति सहित अनेक संसाधन इस श्रेणी में श्रेष्ठ उदाहरण है.
और नवीकरणीय संसाधन। प्रयोग के बाद ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं और ये एक मानव के जीवन में वे पुनः प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। वैसे ही जैसे खनिज और जीवाश्य को निकालने के बाद पुनः भीतर नहीं डाला जा सकता, यह संसाधन हमें पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होते हैं। दूसरा है स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। जैव अथवा जैविक संसाधन, वे सभी संसाधन जो हमें सजीव पदार्थों से प्राप्त हो करते हैं, जैसे पौधे और पशु, उन्हें जो संसाधन कहते हैं। हम वनस्पति जीव और पशुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें सम्मिलित हैं वन और उनके उत्पादक कृषि फसलें, पशु के चारे के रूप में घास, वन्य और मछलियां इत्यादि। अजैविक अथवा अजैविक संसाधन, वे संसाधन जो हमें निर्जीव पदार्थ से प्राप्त करते हैं अजैविक संसाधन कहलाते हैं। सभी धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि जैविक हैं। थर्ड हम लोग का है विकास की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोग संभाविक संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो एक क्षेत्र में मिलते हैं और भविष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। नदियां में जल विद्युत शक्ति बनाते की संभावना है। भारत में भंगड़ा नागा परियोजना और यूएए में टेंसी घाटी परियोजना इस संसाधन के अच्छे उदाहरण हैं। वास्तविक अथवा विकसित संसाधन, जो संसाधन प्रयोग में है यह मानवों द्वारा पहले ही प्रयोग किए जा चुके हैं, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा के संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम इत्यादि वास्तविक हैं। फोर्थ उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। इसमें हम लोग सबसे पहले कृषि संसाधन, जो संसाधन हम कृषि के से प्राप्त करते हैं कृषि संसाधन कहलाते हैं। यह संसाधन हमें भोजन, कपड़ा और उपलब्ध कराते हैं। लगभग 70% भारतीय जनसंख्या कृषि कार्य में जुटे हैं, इसलिए इस देश में कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। दूसरा पशु संसाधन, जो संसाधन हम पशुओं के से प्राप्त करते हैं उसे पशु संसाधन कहते हैं। लोग पशुओं से को दूध, मांस, खाल इत्यादि के लिए पालते हैं। तीसरा ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि ऊर्जा के संसाधन हैं। चौथा है खनिज संसाधन, पृथ्वी के गर्भ से खन्य से प्राप्त संसाधनों को खनिज संसाधन कहते हैं। लोहा, तांबा, सोना इत्यादि खनिज संसाधन के उदाहरण हैं। पांचवा मौलिकता के आधार पर वर्गीकरण। इसमें हम लोग पहले जानेंगे प्राकृतिक संसाधन, भूमि, वन, मृदा, पानी और खनिज इत्यादि प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन हैं। मानव इनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सीधे अथवा कुछ परिवर्तन करता है। मानव निर्मित संसाधन, मानव द्वारा बनाई गई वस्तु जैसे अलमारी, कूलर, कार, बस आदि मानव निर्मित संसाधन हैं।